अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडेर रजनी क्वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 6 है, फोर्स एंड द मोशन 2, प्रॉब्लम 9 है। 3.5 केजी का एक ब्लॉक है जिसे पुश किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, एक फोर्स जो 15 न्यूटन की है 40 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। अब वो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.25 है, मैग्नीट्यूड बताओ फ्रिक्शनल फोर्स का ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द फ्लोर और ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। अब जनाब सिचुएशन कुछ यूं है, फोर्स तिरछी है, फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, इसके साथ नेगेटिव से समझाने के लिए लगाया कि डाउनवर्ड है। तो जनाब वाला अब आपके पास वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस कितनी है, रिएक्शन अपवर्ड है तो एफ एन पॉजिटिव हो गया, एफ साइन थीटा नेगेटिव, एम जी नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव के साथ आ जाएंगे। अब यहाँ से एफ एन निकाला जा सकता है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी एम जी भी पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। अब हमें एफ भी पता है, थीटा भी पता है और एम जी भी, तो ये 44 न्यूटन लग जाएगा। अब आपके पास एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस, चूंकि वो इस तरफ स्लाइड कर रहा है, पुश किया जा रहा है, तो वो आपके पास डोमिनेंट फोर्स हो जाएगी एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, और ये बराबर हो जाएगी किसके, एम ए के। एफ के हम जानते हैं म्यू के एफ एन होता है, एफ एन हम निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू सारी निकाली जा सकती है। तो यहाँ से ए निकालना है, एम दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सारी वैल्यूज पता है तो 0.144 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन राइट वर्ड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।